हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की मांग हो रही है कि बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, और अब तो प्रोटेस्ट रोड पे भी आ गए हैं। तो इस चक्कर में हमने क्या किया, हमने बात की एमरा से। एमरा है ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन, और उनके प्रेसिडेंट से हमने पूछा कि भैया जो इतना सारा हल्ला मच रहा है कि बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, ग्राउंड की रियलिटी क्या है। और उन्हें बताया कि इस टाइम पे मार्केट में ऑलमोस्ट 40% लोग हैं जो जब नया फोन लेने आते हैं मार्केट में तो नॉन चाइनीज ब्रांड्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए फिर फाइनली वो लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स ही ले लेते हैं। ये पूरा जो बातचीत हमारी उनसे हुई, ये हम आपको कल सुबह दिखाएंगे डायरेक्ट दिलसे के इंटरव्यू में, जहां पर हमने खाली इसी चीज से बात नहीं की बल्कि इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और रिटेलर्स उसके लिए क्या कर रहे हैं या उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और शिपमेंट्स के बारे में भी उन्हें कुछ हमें जानकारी दी। तो देखना ना भूलिएगा कल सुबह डायरेक्ट दिलसे का इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, अगली खबर हमारी जुड़ी हुई है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से, लेकिन उसके बारे में बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक PIL स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक प्लान लॉन्च किया था, जिसमें उन्हें कहा था कि जो भी लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि फॉक्सकॉन, जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, साथ ही साथ शाओमी के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, उन सब लोग ने इस प्लान के लिए अप्लाई कर दिया है और उन्हें बोला है कि भैया हम इसमें एक्साइटेड हैं और हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में, ताकि इंडिया का जो मेक इन इंडिया का सपना है वो जल्दी ही हकीकत में बन जाए, और जितना हो सके इंडिया में प्रोडक्शन हम कोशिश करेंगे और उसके लिए और भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी कंपनीज भी हैं जैसे फ्लेक्स है या डिक्सॉन है, उनने भी इस फैसिलिटी का लाभ उठाने का कहा है कि हम इस फैसिलिटी का डेफिनेटली यूज करेंगे और इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और पुश देंगे अपनी तरफ से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करके होगा या फिर और नई नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करके। फ्रेंड्स, लोगों के गुस्से के बाद शाओमी ने अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया है। जो भी आप बोर्ड्स देखते थे रिटेल आउटलेट्स के बाहर जहां पर शाओमी का बोर्ड होता था, अब जो भी नए बोर्ड्स आ रहे हैं उसके नीचे लिखा आ रहा है मेक इन इंडिया। तो शाओमी यही जताना चाहता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो मेक इन इंडिया में है और हिंदुस्तानियों के लिए है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अगली न्यूज हमारे पास आ रही है लावा से। लावा ने कहा है कि जो हमारे 20 सोल्जर्स चाइना बॉर्डर पे वीरगति को प्राप्त हुए वो उनके लिए 40 लाख रुपए आर्मी वेलफेयर बोर्ड को देगा, यानी कि ऑलमोस्ट जो 20 सोल्जर गए उसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 लाख रुपए पर सोल्जर। उनके मुताबिक वो एक स्टेप लेना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतना तो वो कर ही सकते हैं अपने सोल्जर्स के लिए जिनने अपने देश के लिए अपनी जान गंवाई। फेसबुक ने आज एक अनाउंसमेंट की है, उनने कहा है कि पिछले कुछ टाइम से वो लोग ये देख रहे हैं कि जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे लोग हैं वो लोग कुछ कुछ आर्टिकल्स या न्यूज ऐसी शेयर कर रहे हैं जो काफी पुरानी है, तो इस चीज पे लगाम कसने के लिए फेसबुक कह रहा है कि वो एक नया नोटिफिकेशन चीज ला रही है कि जब भी कोई यूजर 90 दिन से पुराना कंटेंट शेयर करेगा तो उसको उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, बता दिया जाएगा ये कंटेंट काफी पुराना है, क्योंकि पुराना कंटेंट देख के लोगों के इमोशन हाइटन होते हैं और साथ ही साथ वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो फेसबुक का कहना है कि हम पुरानी न्यूज पे कंट्रोल रखने के लिए स्टेप ले रहे हैं ताकि लोगों के पास अप टू डेट जानकारी मिले। अगर आप Spotify के यूजर हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर है, अब से जो Spotify है वो Amazon Echo डिवाइसेस पे अवेलेबल होगा। इस चक्कर में दोनों Spotify और Amazon ने एक पार्टनरशिप की है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है, और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि टू स्टार्ट विथ ये खाली Echo डिवाइसेस पे ही रहेगा और अब आगे चल के ये Fire TV पे भी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट के लिए खाली Echo डिवाइसेस। और साथ ही साथ Amazon ने कुछ वॉइस कमांड्स की लिस्ट भी जारी की है जिसे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि Alexa प्ले बादशाह सॉन्ग ऑन Spotify। सैमसंग गैलेक्सी 20 लाइट शायद अक्टूबर में लॉन्च जाएगा, अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कंफर्म्ड है कि नहीं, लेकिन लीक्स के हवाले से पता लग रहा है कि अक्टूबर टाइम फ्रेम है जब ये लॉन्च होने की उम्मीद है, और अभी तक इसके बारे में ये भी डिटेल्स नहीं है कि अक्टूबर में क्या ये भारत में भी लॉन्च होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर बता दें कि इसकी खासियत क्या होने वाली है, ये जो S20 है जो उनका फ्लैगशिप फोन है, ये उसका छोटा भाई होगा, उसका थोड़ा सा कम स्पेक्स के साथ वाला ये फोन होगा।
फ्रेंड्स YouTube तैयारी कर रहा है TikTok को चैलेंज देने के लिए, और वो एक फीचर लॉन्च करने वाला है जिसमें लोग 15 से 20 सेकंड का एक छोटा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं YouTube पे, बिल्कुल TikTok की तरह, और इसका नाम रखा गया है YouTube Shorts। और फ्रेंड्स साथ साथ ये बता दें कि टू स्टार्ट विथ ये YouTube का जो ऐप है मोबाइल पे एंड्रॉयड और iOS उस पर अवेलेबल रहेगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है क्या इसमें भी टूल्स होंगे, एडिटिंग टूल्स होंगे कि जैसे आपको TikTok में मिलते हैं, और फिल्टर्स, उस चीज के बारे में अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके साथ न्यूज फटाफट हो गई है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।